नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजन कौशल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई के दौरान मनोरंजक एवं रुचिकर गतिविधियों में भाग लेगा और विद्यालय के समीप स्थित विभिन्न व्यवसायिक शिल्पकारों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि से मिलकर उनकी गतिविधियों को देखेगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालय में 10 पस्ता रहित दिवसों के क्रियान्वयन हेतु एक मार्गदर्शिका विकसित की है और आज हम इसी मार्गदर्शिका पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान से प्रोफेसर सौरभ प्रकाश उपस्थित हैं। वह इस मार्गदर्शिका के परियोजना प्रमुख भी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि ये 10 बस्ता रहित दिवसों के क्रियान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका के बारे में आप अपने विचार साझा करें। थैंक यू गुंजन। जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में छात्रों में रुचि बढ़ाने के लिए कई तरह की गतिविधियां चालू की गई हैं, जैसे प्री वोकेशनल एजुकेशन या फिर कह सकते फन बेस्ड एक्टिविटी या 10 बैगलेस बेसिक एक्टिविटीज़। तो हम 10 बैगलेस एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों ने एक मार्गदर्शिका बनाई गई है और उसमें विभिन्न तरह के चीज़ों के बारे में बताया गया है। सर, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि इस मार्गदर्शिका के मूल उद्देश्य क्या हैं। इसमें कई उद्देश्य रखे गए हैं, जैसे कि हम गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर की दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं, एक्सपोजर देना चाहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से बाहर जाएंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय में जाएंगे या यादगार स्मारक में जाएंगे, प्रदर्शनी देखेंगे या बच्चों को पार्क में ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये उद्देश्य ये भी है कि शिक्षकों को जो पढ़ाते हैं, जो किताबी ज्ञान देते हैं, उसको प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से बच्चे देखेंगे। जैसे बच्चे डेयरी फार्म में जाते हैं या अस्पताल जाते हैं, तो वहाँ देखेंगे किस तरह से हमारा सिस्टम काम कर रहा है, और उसमें ये भी देखेंगे पुलिस चौकी है या बैंक जाते हैं, तो एक उनको रियल लाइफ सिचुएशन मिलेगी। और उसके साथ ही इसमें एक बिंदु और डाला गया है कि प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करने वाली जो हमारी गतिविधियाँ हैं उसके बारे में समझना, जैसे कि हमारे सब्जी बाज़ार, इससे पता लगेगा, बच्चों को पता लगेगा सब्जियाँ कैसे बिकती हैं, खरीदते हैं या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पता लगता है कि क्या सिस्टम काम कर रहा है। साथ ही साथ एक उद्देश्य और ये भी है कि हम जो आपसी जुड़ाव है समुदाय में, एक दूसरे के प्रति जो हम आत्मनिर्भरता होते हैं, उसको समझने का एक दृष्टिकोण विकसित किया। जैसे हम बच्चे साइकिल रैली करते हैं या बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलता है। और साथ ही साथ इसमें ये कहा कि हाथों की गतिविधियों के माध्यम से हम जो श्रम है इसको हम अच्छे से समझ सकें कि लेबर जो है, जो श्रम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब बच्चे डिग्निटी ऑफ लेबर समझेंगे, ये समझेंगे कि कोई काम छोटा नहीं है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी। तो इस तरह से हमें बच्चों का एक निर्माण होता है और भविष्य में जो कह सकते हैं कि जो संभावित रोजगार हैं, जो भी व्यावसायिक व्यवसाय है, चाहे वो शिक्षा है, उसके लिए अवसर का एक मार्गदर्शन इसको मिलता है। तो इसमें बच्चे सोच सकते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है या टूरिस्ट गाइड बनना है या आर्टिस्ट बनना है, चाहे पेंटर बनना है, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, चाहे हेल्थ वर्कर बनना है। इस तरह से एक उनके दिमाग में एक थिंकिंग, सोच का विकास होता है। सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर की दुनिया के बारे में जागरूकता मिलेगी और साथ ही साथ नए नए रोजगार और व्यवसायों के बारे में पता चलेगा। ये इसीलिए इस प्रोग्राम में एक ध्यान रखा जाए कि बच्चों को श्रम की महत्व समझ जाए, लेबर के बारे में सोचना पड़े कि हमारे शिल्पकार, हमारे जो कारीगर हैं कैसे काम करते हैं, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे आपके वीडियोग्राफर हो, तो धीरे धीरे वो नई नई चीज़ों को, गतिविधियों को समझेंगे और उससे अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करेंगे।
सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इसका मतलब इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नए टूल्स और मशीनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी? ये तो होता ही है, जब बच्चे जब जाते हैं विशेषज्ञ से इंटरेक्शन करते हैं, उनके स्किल्स को देखते हैं, तो बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं, बहुत सी जानकारी मिलती है, तो बच्चों में बहुत सी जिज्ञासा और रुचि का निर्माण होता है। सर जैसे कि आपने बताया इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाना है और उन्हें विभिन्न तरह की गतिविधियाँ इन स्कूलों में कराई जाएगी। हाँ बिल्कुल, तुम सही समझ रही हो, तुमने सही कहा, ये कार्यक्रम स्कूल या विद्यालय के बाहर या विद्यालय में भी गतिविधियों के माध्यम से कराया जाएगा। इससे बच्चे विभिन्न तरह के स्थल जैसे संग्रहालय, अस्पताल, बैंक, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र जैसे ITI है, तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स है, म्यूजिक सेंटर्स है, कला केंद्र है, स्पोर्ट्स सेंटर है और वृद्धा आश्रम है, कहीं भी जा ले जा सकते हैं। सर क्या इसकी कुछ गतिविधियाँ स्कूल के प्रांगण में भी कराई जा सकती है? हाँ क्यों नहीं, इसमें हमें यही कोशिश करनी कि जो गतिविधियों का चुनाव करें उसके लिए हम बाहर से एक्सपर्ट को बुलाएंगे और बच्चों के साथ वो 3-4 घंटे इंटरेक्टिव करेंगे, एक्टिविटी करें, तो बच्चों में बहुत सी रुचि डेवलप होगी और नई नई चीज़ें सीखेंगे। इसलिए दोनों तरह से प्रयोग किया गया है कि स्कूल के बाहर और स्कूल के भीतर। क्या इन सभी कार्यों के लिए 10 दिन निर्धारित किए गए हैं और इसी समय सीमा में यह समस्त कार्य करने होंगे? हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा, ये इसमें कम से कम 10 दिन तो हमें गतिविधियों के लिए विद्यालय में रखना ही है। उसका समय सारणी जो हमारा टाइम टेबल है उसमें भी हमको इसका एक प्रोविज़न देना पड़ेगा और स्कूल चाहे तो इसको बढ़ा भी सकता है और इसमें आधे दिन की भी एक्टिविटी कर सकती है। ये हम स्कूल के ऊपर एक ओपननेस दिया हुआ है कि एक कह सकते हैं फ्लेक्सीबिलिटी दी है कि वो इस तरह का टाइम टेबल में सुझाव कर दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में किस किसकी भागीदारी रहेगी? देखो ये जो कार्यक्रम है ये विद्यालयों का कार्यक्रम है, तो विद्यालय में जो हमारे प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, अभिभावक, साथ ही साथ इसमें समुदाय के लोग को भी हम इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि इनके मिले जुले प्रयास से ही ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल सकेगा। क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अलग से शिक्षकों की नियुक्ति होगी? नहीं नहीं, ये इसमें सबसे बड़ी बात कि हर शिक्षक इसमें जुड़ेगा और चाहे साइंस टीचर हो, चाहे मैथ टीचर हो, चाहे सोशल साइंस हो, लैंग्वेज है, उन्हीं को ये कार्यक्रम करना है और अपने विषय से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसका वो समायोजन करेगा और बच्चों को इसके बारे में जानकारी देगा और इसके साथ ही साथ इससे जुड़ेगा। तो बाहर से कोई शिक्षक नहीं होगा, केवल हम एक्सपर्ट को हम बुला सकते हैं जो कि हम विशेष कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें जैसे कि आप टॉयज बनाने हैं चाहे रोबोट बनाने हैं उसमें हम बुला सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या विद्यालय प्रशासन अपने क्षेत्र के आसपास होने वाली विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों का भी चुनाव इस कार्यक्रम हेतु कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम विद्यालय के भीतर और विद्यालय के बाहर भी अपनी गतिविधियाँ कर सकते हैं, तो अगर हम समझते हैं कुछ गतिविधियाँ हमारे विद्यालय में हो सकती है तो जो हमारे वोकेशनल एक्सपर्ट हैं या हमारे ट्रेनर हैं या मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं उनको हम अपने विद्यालय में बुला लेंगे और उनके सहयोग से हम गतिविधियाँ करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं सीखेंगे। जैसे आप रोबोट बनाना है या पतंग बनाना है या फिर गुड़िया बनाना है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसमें कई तरह के टूल्स लगते हैं, कई तरह के रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उसके सहयोग से बच्चों को बहुत ही रुचि विकसित होगी। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जैसा कि मुझे लगता है इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ वो अपनी पसंद के कुछ विषय भी चुन सकेंगे और उन्हें समाज में विभिन्न तरह के व्यवसायों रोजगारों के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी। और जैसा कि कहा गया है जब व्यक्ति अपनी पसंद की चीज करता है या अपना पसंद का काम करता है तो वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये अगर हम बच्चों की रुचि के हिसाब से कार्य करेंगे तो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उस क्षेत्र में वो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये होना ही चाहिए कि हमें बच्चों की रुचि के हिसाब से, लेकिन बच्चों को एक जब तक हम एक्सपोजर नहीं देंगे बच्चों को पता ही लगेगा कि जब हमारे समाज में किस तरह के व्यवसाय चल रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक एक्सपोजर देने की बात कर रहे हैं। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी
इस 10 वेडनेसडेज गाइडलाइन में और क्या क्या सम्मिलित किया गया है? ये बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा। देखो, इस गाइडलाइन में दो कंपोनेंट है, एक तो है इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट, कैसे इस प्रोग्राम को हमें चलाना है, और दूसरा पार्ट जो है इसमें हमने कम से कम 25 एक्टिविटीज़ दी है जो कि एक मॉडल है, एक तरह से ये सब समझाया गया है कि आपको किस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। ये स्कूलों के लिए एक गाइडलाइन का काम करेगी और अपने क्षेत्र के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से अन्य तरह की एक्टिविटीज़ का भी चुनाव कर सकते हैं। दर्शकों, आज आपने विद्यालय में 10 बैगलेस डेज गाइडलाइन के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह गाइडलाइन संस्थान की वेबसाइट pssciv.ac.in पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद, आपने मौका दिया और हम सोचते हैं कि आने वाले समय में विद्यालयों में बहुत ही बदलाव आएगा और 10 बैगलेस डेज मार्गदर्शिका के माध्यम से विद्यालयों के बच्चों भी रुचि डेवलप होगी। 10 बैगलेस डेज गाइडलाइन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। इसी के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।